नवी मुंबई नेटवर्क। बढ़ती महंगाई के साथ आटा और मैदा की बढ़ती कीमतों के कारण नवी मुंबई करों का बजट पहले ही गड़बड़ा चुका है। अब इस महंगाई में बेकर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के फैसले की गाज से नवी मुंबई करों के बजट पर अब और असर होने जा रहा है। हाल ही में बेकर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के अध्यक्ष अकबर शेख के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारियों ने एक बैठक लेकर मैदे की बढ़ती कीमतों के चलते नवी मुंबई की बेकरियों को होते नुकसान पर अपना संज्ञान लेते हुए मैदा से बनने वाले और रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाले पाव की कीमत को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस दौरान इस बैठक में बेकर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के अध्यक्ष अकबर शेख के साथ उपाध्यक्ष समीर शेख, सचिव आसिफ शौक, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शोएब, ट्रेजरर अशरफ शेख आदि तमाम मान्यवर मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए बेकर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के अध्यक्ष अकबर शेख ने कहा कि आज गेहूं की बढ़ती कीमतों के कारण बाजार और मंडियों में आटा और मैदों की कीमतों ने आसमान छू लिया है। यही कारण है कि उन्होंने पाव की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया है। नवी मुंबई के 50 से प्लस बेकरी वाले यहाँ जमा हुए है और ये समस्या होती है तो ही हम यहाँ जमा होते हैं। और समस्या हमारी ये है कि पिछले 3-4 महीने में मैदे का रेट इतना ऊपर चले गया है, रॉ मटेरियल का इतना रेट ऊपर चले गया है कि मजबूरन आज हमारी एसोसिएशन के माध्यम से सबको जमा करें यहाँ पे, और सब ने ये फैसला हमने आपस में सब बेकरी वाले ने लिया है कि 1 रुपया रेट जो है 5 तारीख से इसको बढ़ाया जाए पूरे न्यू बॉम्बे में। और इससे बेकरी वालों की हालत बड़ी ख़राब हो गई है पिछले 3 महीने में। और ये रेट बढ़ने से ये होगा कि जितने रॉ मटेरियल वाले जैसे आपका मैदा वाला हो या ये सब हो जितने उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। आसानी इसलिए होगी कि अगर बिक्री वाला रेट बढ़ाएगा और जिस प्रपोर्शन में मैदे का रेट बढ़ रहा है उस प्रपोर्शन से उनका रेट पाव का रहेगा, लादी का रहेगा, तो उसको रॉ मटेरियल वाले को जो पेमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका वहाँ से स्मूथ फ्लो चलते रहेगा। और हमने ये एसोसिएशन खासकर इसलिए बनाया है कि हमारे कम से कम 6 जोन है नवी मुंबई में जो हमने बनाया है, सब जोन में अलग अलग मेंबर अपॉइंट किया है ताकि जो है हर एरिया का रेट बढ़े। ऐसा नहीं कि आपने बढ़ाया, मैंने नहीं बढ़ाया, पीछे वाले ने नहीं बढ़ाया। और ये जितने बेकरी वाले, ये हमारी एसोसिएशन अभी 1 साल पहले बनी है, लेकिन 1 साल पहले तक ऐसा था कि कोई रेट नहीं बढ़ाता था, सबको आपस में डर रहता था कि अगर मैं बढ़ाऊँ या बाजू वाला ना बढ़ाए तो मेरी पूरी ग्राहकी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया, एसोसिएशन बनाया, कमेटी बनाए और हर एरिया से 1 से 2 आदमी हमने अपॉइंट किया। और अब हमने 1 साल देखा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमको मिला है। एक साल हमारा एसोसिएशन सक्सेसफुल हो गई है। और अभी ये जो 5 तारीख से रेट बढ़ेगा तो हमको बहुत उम्मीद है कि जो है सब इसको फॉलो करेंगे। पाव जो है सबसे लोएस्ट फॉर्म वो है, बेकरी वो प्रोडक्ट है जो हर उसमें चलता है। आप देखेंगे वड़ा पाव या कहीं भी हो तो वड़ा पाव वाला वो 5 रुपया अपने उसको बढ़ा सकता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि 5 रुपया बेकरी लाइन में बढ़ाए, 1 रुपया या 2 रुपया, बहुत हुआ तो 3 रुपया, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहता है। 1 रुपया कैसा रहता है कि अभी जैसे पर किलो केजी जो आपका मैदा बढ़ा है, हम उसके मोशन में आ जाएंगे, मतलब उसके फ्लो में आ जाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। आज ये एसोसिएशन बनाने का, सबको एक साथ लाने का प्लेटफॉर्म पे यही वजह है कि सब लोग साथ में आगे बढ़ें, एक आदमी बड़ा पीछे दूसरा आदमी पीछे, ऐसा नहीं हो। बता दें कि इस निर्णय के चलते अब वड़ा पाव, मिसल पाव और पाव भाजी जैसे अनेकों व्यंजनों के दाम बढ़ेंगे और आम जनता की जेबों में इसका असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।